सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि आज एक वीडियो डाल ही देते हैं। तो वीडियो भी ऐसे नहीं डाल रहा कि बस मन कर दिया डाल दिया जस्ट बिकॉज कि अपलोड करनी है फॉर अ सेक। बट रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हो गया है जिसमें जहाँ पर वो बोल सकते हैं कि उसने एक आईफोन ली थी एक्चुअली, और उसे वो फेक प्रोडक्ट मिला। तो वो फेक प्रोडक्ट की वजह से, और अच्छी खासी थी, मतलब 70-80,000 का प्रोडक्ट लिया था उसने, बट फेक मिल गया उसे। ऑनलाइन परचेज़ की थी, मैं साइट का नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज अभी उसने कंप्लेंट डाली है, तो लेट्स से अभी क्या होता है। तो मैं अभी वो पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट द थिंग इज़ दैट कि उसे फेक प्रोडक्ट मिली है। और हम फेक प्रोडक्ट एज इन जब भी उसने OS देखा और उसका बाकी सब चीज़ें देखी, तो उस टाइम पर उसे पता चल गया था कि वो फेक प्रोडक्ट है। तो यार आईफोन एज इन वो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन होता है, उसे लेने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो पैसे एक्चुअली वेस्ट जाए। तो हम लोग जब भी आईफोन ख़रीदते हैं तो वी ऑलवेज थिंक कि कई अच्छे शॉप से जाके लें या गैलरी से जाके लें, मैपलिक्स करके है, काफ़ी जगह है, तो वहाँ पर से जाके लें। लेने के बाद भी हम लोग के मन की शांति के लिए हम लोग उसे वेरीफाई करते हैं कि भाई वो जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है। मैंने लास्ट प्रोडक्ट मेरी डाली थी सैनिटाइज़र के ऊपर कि जेन्युइन है कि नहीं है, उस पर भी 10,000 के ऊपर व्यूज़ गए थे हमारे। तो हमने सोचा कि इसके लिए भी मतलब हम लोग डालते हैं कि मतलब आईफोन आपकी एक्चुअली में जेन्युइन है कि नहीं है। बिकॉज यार एक आईफोन ले रहे हैं हम लोग, लाइक उसकी मिनिमम प्राइसिंग ही जो भी समझो एक्स की प्राइस पकड़ लो तो 1 लाख के ऊपर ही गई, बाकी 6S हो गई, 7S हो गई या वॉट एवर, तो उसकी प्राइसिंग भी अराउंड 40,000-50,000 यार, मतलब 2 महीने की किसी किसी की सैलरीज होती है वो। तो मतलब एक फ़ोन ले रहे हैं तो वी हैव टू चेक इट इज़ जेन्युइन और नॉट। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि हम लोग चेक करेंगे कि फ़ोन जेन्युइन है कि नहीं है आप लोगों का, आपने जो बाय किया है प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले से। सो आप लोगों को तो पता ही होगा कि गूगल हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो वहाँ पर ही हम लोग ढूंढेंगे आज मतलब हमारी वेबसाइट पर कि आईफोन आप लोगों का जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर टाइप कर दीजिए एप्पल चेकर करके, और कुछ भी नहीं करना, एप्पल चेकर करके टाइप कर दीजिए जो भी फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर से देख रहे होंगे आप, तो फर्स्ट लिंक जो भी खुलता है तो यहाँ पर आपको क्या पूछेगा, सीरियल नंबर। और आपको जो सीरियल नंबर मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पीछे लिखी गई रहती है मोबाइल के। जैसे ये मैंने मेरी वाली फ़ोन ली थी आईफोन की, इसका मैंने रिव्यू भी डाला था, तो इसके पीछे आप देख सकते हो आपका सीरियल नंबर मेंशन होता है जो सेकंड रो में है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैंने ऑलरेडी ये एंटर करके रखा था मेरा सीरियल नंबर। अगर हम लोग नीचे जाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये बोलता है कैप्चा एंटर करने के लिए। भाई साहब कैप्चा तो देखिए कंप्यूटर को भी ना समझ आए। चलिए रिफ्रेश करते हैं, दूसरा कैप्चा ट्राई करते हैं, वी आई गेस वी आर सी के, कंटिन्यू करते हैं। शायद से वापस से मेरा कैप्चा रॉन्ग एंटर हुआ है यार, इनके कैप्चा काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं, 4133 4 4 1 3 4, ये वाला शायद से सही तो हो जाना चाहिए। ऑसम, यू आर इनवाइटेड टू टेक्स और इग्नोर। तो यहाँ पर मेरी फ़ोन की डिटेल्स आ गई है कि मतलब हाँ ये वैलिड फ़ोन है, वैलिड परचेस डेट भी आ गई है यहाँ पर, रिपेयर्स, तो ये हमारी एस्टिमेटेड एक्सपायरेशन डेट भी दे दी है कि इसकी वारंटी एक्सपायर कब होगी, 28 दिसंबर 2019 को बताया जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर से हम लोग को चीज़ें पता चल सकती है, ये एप्पल की मतलब ऑफिशियल साइट है, तो checkcoverage.apple.com करके है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। सो अभी मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग उसकी काफ़ी इजी प्रोसेस है कि आईफोन आपका जेन्युइन है कि नहीं है बता सकते हैं। मैंने अपने रूम का फ़ैन भी ऑफ रखा, ऐसा पसीने अलग हो रहे हैं मुझे, करना पड़ता है ऑडियो के लिए, बट स्टिल हम लोग फ़ोन पे थे फिलहाल। तो अभी मेरे जैसे मेरे दोस्त का इंसिडेंट बताया था, वो तो बिला बेचारा भी फ़िलहाल उसने कंप्लेंट की है, तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है वो ऑनलाइन साइट से। टिल देन के लिए वो तो अभी घर पर भी उसने ये बात बताई नहीं है, तो देखते क्या होता है।
हम लोग दादर स्टेशन या मुंबई में कहीं पर भी स्टेशन के बाहर जा सकते हैं, मस्जिद बंदर हो गया, दादर हो गया, हम लोग बाहर जैसे निकलते हैं वॉकआउट करते हैं तो वहाँ पर आईफोन एग्जैक्टली मतलब एक तरीके से कॉपी समझ लो वो उनको आपको मिलेगी 8,000-10,000 काफ़ी अच्छी अच्छी आईफोन की प्रोडक्ट आईफोन नहीं बोल सकते उसकी कॉपी रहती है। हम लोग जैसे अगर फ़ोन चालू करेंगे उसके OS देखेंगे पैसा हम लोग वहाँ पर ही फ़ोन रख के आ जाएंगे। तो हम लोग को उस ट्रैप में कभी नहीं पड़ना है, ऑलवेज बाय फ्रॉम अ प्रॉफिट मतलब वीकेंड से जैसे कुछ स्टोर हो गए या एप्पल की या गैलरी हो गई वहाँ पर जाके बाय कर ले या तो कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट जो जहाँ पर से हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट मिले वहाँ पर से बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए, तो तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग कौन सा लाते हैं। तो तब तक के लिए लाइक करते रहिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स, अलविदा।